सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके डिमांड से आज का ये वीडियो आ रहा है। कंप्लीट एनर्जी जानने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन की, इमोशनल स्टेज आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज कैसी हैं, करियर कैसा रहेगा, उनके लिए क्या गाइडेंस है। साथ हम जानने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन की, डीएफ की ओवरऑल गाइडेंस कार्ड क्या कह रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा करियर, उनके लिए रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ पे रीडिंग चाह रहे थे, तो ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग भी इस वीडियो पे बने रहें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार अस्त्रो, आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। तो आज सबसे पहले हम लवर टैरो डेक को देखने वाले हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप का गाइडेंस है। ये गाइडेंस है डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए, उनके लिए क्या एनर्जीज और इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स क्या आ रही हैं, किन बातों का उनको ध्यान देना है इमोशनली। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं, तो जल्दी से एक कार्ड निकल जाता है, देन हम देखते हैं। सो जो यहाँ पे कार्ड ला रहा है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस ज़्यादा है। राइट नाउ आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, डीएम के फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है और डीएम की एनर्जीज भी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी आपको दिख रही होगी, ये एनर्जी दिखाती है लव इज आल्सो बैलेंस। लव में साइलेंस जरूर होता है, लव में पीस जरूर होता है, क्योंकि जो प्रेम होता है वो शांति आपको देता है। अगर शांति वहाँ पे कम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन एंगर बढ़ रहा है, तो वो लव की एनर्जी नहीं है। आपको इस समय बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए यिंग यांग एनर्जी इसी वजह से आई है, क्योंकि इस समय डीएम को भी बैलेंस करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए क्या आ रहा है। आप ये अपने हस्बैंड का भी चेक कर सकते हैं, ओवरऑल ये टोटल मस्कुलिन एनर्जी की रीडिंग है, तो आप भी इसे देख सकते हैं। जो एंजल कार्ड है, कुछ हमने कार्ड स्पिक कर लिए, एक कार्ड और आ जाता है तो हम तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कार्ड आया है वो है नाइन ऑफ रफेल। दिस कार्ड इज रिलेटेड टू हार्ट चक्रा, तो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ विश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स क्रिएट हो रही हैं। फोकस वहाँ पर है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो नाइन ऑफ रफेल आप देख जैसे देख रहे हैं, यहाँ एक आपको जिन दिखाई दे रहा बाहर निकल रहा है चिराग के, तो इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन और विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेटलिस्टिक पेन पे प्रॉस्पेरिटी के लिए, लक्ष्मी पाने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ चल रही है इस समय, तो थोड़ा सा जॉय फुलनेस में आना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो अपने आनंद को खो रहे हैं। जब तक डिवाइन मस्कुलिन आनंद के स्टेज में रहते हैं, तब तक उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन अपना वो पीस खो देंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है, इस कार्ड का अच्छे से यूटिलाइजेशन तब होगा, क्योंकि आर्कंजल रफेल इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपका हार्ट चक्र ओपन होना इसमें बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, फोर ऑफ माइकल का कार्ड है, यहाँ पे आपको चारों तत्वों को बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है, डिवाइन मस्कुलिन के लिए गाइडेंस है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, अगर आप स्ट्रेस लेके आएंगे तो मैनिफेस्टेशन में या आप वर्क में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन इस समय एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं, मून भी अपनी राशि में रहे हैं, इस वजह से इमोशन इज रनिंग सो हाई, हार्ट पे भी हैवीनेस डिवाइन फेमिनिन्स को फील हो रही होगी, और डिवाइन मस्कुलिन को भले फील ना हो, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन उससे बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा एंगर भी बढ़ता है, तो उसको ध्यान देना है, डिवाइन फेमिनिन को मोस्टली ध्यान देना है। तो फाइव ऑफ एरियल का कार्ड आ रहा है, सीज एंजल रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, डिवाइन मस्कुलिन को स्टेबल रहने की इस समय कोशिश करनी है, थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है, बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। करंट एनर्जी जो हो रही है वो थोड़ा अलोन जाने की कोशिश करेंगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस समय ऐसा करो वैसा करो, इस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, इस तरह की उनकी एनर्जी है। अलोननेस में जा रहे हैं, अकेलेपन, एकांत में जा रहे हैं, सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, तो इसमें आप जाने देना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज जब होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं, तो उसी तरीके से मस्कुलिन की भी एनर्जी हो जाती हैं, और अगर आप उसमें बहस करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपके रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इस समय थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, थोड़ा सा आपको फ्री करना है, जिसमें रिलेशनशिप बेटर हो सके। रिलेशनशिप दो पिलर्स की तरह होता है, एक निश्चित दूरी होती है, तभी आप उसके ऊपर भवन निर्माण रह सकता है, क्योंकि अगर पिलर्स के बीच स्पेस नहीं रहेगा तो भवन ढह जाएगा। इस वजह से रिलेशनशिप इज़ लाइक अ पिलर्स, कोई घर तभी क्रिएट हो सकता है, दो पिलर्स एक निश्चित दूरी पर रहे और पास में रहें, सदैव स्थिर रहें। इसी वजह से स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ,
सॉलिट्यूड इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ. लास्ट जो बॉटम डेक आ रहा है वो नाइन ऑफ रफेल आ रहा है. दिस कार्ड इज रिलेटेड टू यूनियन. दिस कार्ड इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग. ये कार्ड अच्छा है, एक बैलेंस की ओर जा रहा है. बट कहीं ना कहीं आपके डीएम बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं बहुत चीज़ों को लेकर. आप ध्यान दीजिएगा, उनका इनर चाइल्ड इससे डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगता है तो इनर चाइल्ड को वॉन्डेड कर लेता है. अगर डिवाइन मस्कुलिन वॉन्डेड स्टेज में है तो आपको बाहर लाना है, और आपको इनर चाइल्ड अपना अच्छा रखना है, तभी आप अपने काउंटर पार्ट का इनर चाइल्ड अच्छा रख पाएंगे. अगर सेपरेशन चल रहा है तो भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, चाहे वो स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस हो, चाहे वो कोई भी आप साधना कर रही हैं, तभी भी आपको अपना इनर चाइल्ड अच्छा रखना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एक क्वालिटी होती है, वो है इनर चाइल्ड को बेहतर रखना. बहुत सीरियसनेस अगर आप में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है. राधा जो चंचलता है, लक्ष्मी भी चलेमान है, चंचल हैं आप देखिए, तभी वो भगवान विष्णु के पास स्थिर रह पाती हैं. अगर ट्विन फ्लेम का रिलेशन यहाँ पे दोनों लोग एकदम सिमिलर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो अगर एक चंचल है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड को हील करने को भी दिखाता, मतलब इनर चाइल्ड पर्सन का अच्छा है. आपको ज़रूर रखना है इनर चाइल्ड अपना अच्छा. तो नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो आपके मोनोलॉजी से हम निकाल लेते हैं. मोनोलॉजी में आपके लिए डिवाइन फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड है. आपकी इमोशनल गाइडेंस को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, साथ ही कलेक्टिव जो कंक्लूजन है उस पर हम आज बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा कार्ड पिक हो रहा है, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की ज़रूरत है. ये आपका इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे, मैनिफेस्टेशन रेट बढ़ेगा. तो टाइम टू टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स. अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मून जब भी इस फेज़ में आते हैं, नेचुरली अभी कर्क राशि में रहे हैं, कर्क राशि उनकी स्वयं की राशि है, चंद्रमा जब इस फेज़ में है तो मैनिफेस्टेशन हाई होगा, जो चीज़ आप चाहेंगे वो भी होगा. अगर नकारात्मक सोचेंगे उसी पे फोकस रहेगा तो वही सारी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी. ठीक है, तो रिलीज़ योर निगेटिविटी. आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, निगेटिविटी को रिलीज़ करिए, क्योंकि इस समय जो कार्ड है फुल मून इन स्कॉर्पियो, इसका मतलब ये है स्कॉर्पियो जो राशि ऑफ रिसर्च, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में नहीं जाना है, अदरवाइज आपको इश्यूज़ होंगे, डीएम को लेकर भी हो जाएंगे. तो डिवाइन फेमिनिन के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अभी एनालिसिस करें, ओवर एनालिसिस मत करें, अदरवाइज इश्यूज होंगे रिलेशनशिप में. दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू. अब मैं ओवरऑल करियर और बैलेंसिंग के लिए बता देता हूँ, डिवाइन मस्कुलिन जो एनर्जीज है बैलेंसिंग को लेकर कैसी रहेगी, इस पर चलिए बात कर लेते हैं. तो ये रीडिंग डिवाइन मस्कुलिन के लिए है, ओवरऑल करियर और एक गाइडेंस कार्ड जो डिवाइन मस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट है. चाहे तो आप उन्हें बता सकते हैं दूसरा, या आप उन्हें कोई ना कोई तरीके से गाइड कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली आप उन्हें हील भी कर सकते हैं. पहली चीज़ प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है. फोर ऑफ गैब्रियल आया है, जो यहाँ पे गैब्रियल सीज एंजल रिलेटेड टू विशुद्ध चक्र. कम्युनिकेशन, स्पीच, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है राइट नाउ. अगर आपके डीएम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनसे एक्सप्रेस कराइए, या अपने मन की बातों को शेयर करवाइए, जिससे वो रिलैक्स महसूस कर सकें और पास की एनर्जी जो हिट कर रही है उससे वो ऊपर आ सकें. कहीं ना कहीं टाइम फॉर सेलिब्रेशन का है, एनर्जीज ठीक आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर वो सेलिब्रेट करेंगे. गाइडेंस है, ओवरऑल अच्छी स्थिति आ रही है. दूसरा कार्ड जो आ रहा है आर्कएंजल इज़राइल को आ रहा है, ये ही इज़ एंजल रिलेटेड टू गाइडेंस. तो ये ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड एंजल भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स को गाइड करते हैं. तो ये बेसिकली एनर्जी ऐसी हैं कि आपके डीएम खुद ब खुद प्रैक्टिकली बहुत मैच्योर स्टेज में जा रहे, गाइडेंस आपको देने वाले हैं, तो एनर्जीज बहुत अच्छी है. और आपका आप बहुत ज़्यादा उनको एडवाइस नहीं भी देंगे, गाइडेंस नहीं भी करेंगे, तभी भी वो सही जा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं. बस पास्ट को रिलीज़ करने का रास्ता ज़रूर बताना है, पास्ट में उनके जो इवेंट हुए. अगर आपका काउंटर पार्ट आपके डीएम बार बार पास्ट में जा रहे हैं तो वो इशू है, क्योंकि ये कार्ड पास्ट की एनर्जी से डिसअटैच करता है, वर्तमान स्थिति में व्यक्ति को लाने की कोशिश करता है. तो आपको आपके काउंटर पार्ट में अगर ये दिखाई दे कि वो बार बार पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, या बार बार पास्ट की बातें कर रहे हैं, तब समझ लीजिए कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज चीज़ें एकदम सही जा रही हैं. लास्ट कार्ड जो है आर्कएंजल यूरियल से रिलेटेड है. देखिए आर्कएंजल यूरियल जो होते हैं वो बेसिकली द सन का ये कार्ड है, ये
ट्विन फ्लेम के लिए होते हैं, ये नेविगेशन के लिए होते हैं। आपको अपना पाथ नेविगेट करना पड़ेगा, अर्थात डीएम को अपना पाथ नेविगेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा स्ट्रगल से मिलती है, लेकिन वो स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेसिस पर ना आइए, जो भी आपको करना है स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। ही इज़ एंजल रिलेटेड टू प्रोटेक्शन आल्सो, तो प्रोटेक्शन लेना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, तो ये रही डिवाइन मस्कुलिन के लिए गाइडेंस, डिवाइन फेमिनिन के लिए गाइडेंस। कोई क्वेरी है, प्रश्न है, नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देकर। बताना चाहते हैं अपनी जर्नी के बारे में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर फ्री मेडिटेशन क्लास में अटेंड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।